नमस्कार, मैं हूँ सौरभ श्रीवास्तव। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा जारी है। अगर आज की बात करें, आज 18वां दिन है जब आज पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़े लेकिन डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। इस समय हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि लोग गाड़ियों को लेके अपने लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन पेट्रोल और जो डीजल की कीमत है वो लोगों के जेब पर अब सीधा असर डाली है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज पूरे देश में डीजल की जो कीमत है उसमें 48 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 18 दिन में डीजल जो है लगभग 10 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अगर कि पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत आज 18वें दिन स्थिर रही, लेकिन 17 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में भी लगभग 8 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में जो डीजल है पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है। दिल्ली में जो डीजल की कीमत है वो 79 रुपये 88 पैसा पहुँच गई है, जबकि पेट्रोल जो है 79 रुपये 76 पैसा मिला। इसी तरह अगर नोएडा की बात करें, उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे डीजल जो है 72 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और पेट्रोल जो है 80 रुपये 57 पैसे हो गया है। तो लगातार जो ये महंगाई का असर है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। लोग मजबूर हैं, पेट्रोल तो ड्यूटी पे जाना है तो पेट्रोल भरा नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना महंगाई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार महंगाई हो रही है उसके चलते उनको कितना दिक्कतों का सामना करना है। भाई साहब क्या नाम? रजनीश। बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। हम लोग छः से छोटे लोग कमाने वाले हैं, दिल्ली का काम होता है पेट्रोल का, तो सब पे ही पड़ता है। क्या कहें, सरकार से क्या मांग करें यार, सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। हमारे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं बढ़ती कीमतें वो उनके जेब पर कितना असर डालती है। जी सर, आपका नाम? अभी तो डीजल का हमसे तो कोई कंसर्न है ही नहीं, हम तो पेट्रोल से संबंधित हैं। कितना पेट्रोल लगातार 17 दिन में लगभग 8 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, आज स्थिर था लेकिन लगातार 17 दिनों में कितना असर डाल रहा है आम आदमी? बिल्कुल जेब को तो जो है ऐसे कोरोना के टाइम के क्राइसिस के टाइम में जो है कि बढ़ती कीमत हर आम आदमी की जो है मुश्किल और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। बता दें कि डीजल की गाड़ी आप भले ही ना चले कि डीजल अगर महंगा होता है तो सारे सामान भी महंगे होते, उसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आम आदमी भी पड़ेगा और डीजल के उपयोग वाले तो ज़्यादा लोग हैं, पेट्रोल के तो कम है। आम आदमी और किसान जो है तमाम डीजल की उपयोग ज़्यादा करता। मांग क्या है, सरकार तो इस बारे में जो है बराबर अपने अपने मकसद से लगी है, किसान या जो है आम आदमी की कहाँ। लोगों का कहना है कि कोरोना का जो ये काल चल रहा है इसमें लगातार लॉकडाउन के समय में जो लोगों को नुकसान हुआ है उसके बाद इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें जो है उनके जेब पे असर डाली है। लोगों की सरकार से ये मांग है कि पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं उसमें नियंत्रण किया जाए ताकि आम आदमी को गाड़ियों से चलने में या किसी भी तरीके से सर्वाइव करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।